फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आज आपको LIC के जीवन शिरोमणि प्लान के बारे में डिटेल्स बताना चाहता हूं। और उस डिटेल को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं 10 सालों के अंदर? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ये प्लान के डिटेल्स ज़रूर देखने चाहिए। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ये प्लान ज़रूर परचेस करना चाहिए। बट उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उससे पैसा बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम होता है ये वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है। ये हाई नेटवर्थ कस्टमर जो हैं, जो कि अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं सिक्योर रूप से करना, कोई शेयर मार्केट वगैरह में फंसाना नहीं चाहते हैं, तो वो इस प्लान को ले सकते हैं। वो इस प्लान के तहत क्या है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो ट्रेडिशनल प्लान के अकॉर्डिंग सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू यूलिप प्लान्स। जो यूनिट लिंक प्लान होते हैं वो क्या होते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी उसमें डाउनफॉल आ सकता है और उस वजह से आपका जो मेहनत का पैसा है वो डूब सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए LIC ने ये बहुत ही अच्छा प्लान लॉन्च किया हाई नेटवर्थ कस्टमर के लिए, जो कि LIC जीवन शिरोमणि के नाम से आप जानते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग लिखा हुआ है, आप मेरे इस ब्लॉग पेज को देख सकते हैं, insuranceintroduction.blogspot.com। इस पर जाके आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। और इसी ब्लॉग के अंदर मैं जाके आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने LIC जीवन शिरोमणि रिव्यू फीचर मैच्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेटर के नाम से टाइटल से मैंने वीडियो ब्लॉग बनाया हुआ है, और ब्लॉग में मैंने वो सारी जानकारी दी हुई है जो प्लान के अंतर्गत आपको मिलती है। तो चलिए प्लान को स्टार्ट करते हैं। तो LIC जीवन शिरोमणि प्लान है क्या? LIC जीवन शिरोमणि प्लान एक मनी बैक टाइप का प्लान है, जो कि हाई नेटवर्थ कस्टमर के लिए है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन टर्म्स के बाद यानी एक सर्टेन टाइम के बाद आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाता है एंड आपको रिटर्न बेनिफिट मिलता है, यानी मनी बैक के रूप में आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। ये कितना अमाउंट होता है और कितने दिनों के बाद आपका प्रीमियम स्टॉप होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, अब देखिए फीचर क्या मिलेंगे इस पॉलिसी में आपको। तो सबसे पहला फीचर ये है कि ये आपका मार्केट लिंक पॉलिसी नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल पॉलिसी LIC का, जिसकी वजह से इसमें क्या है कि जो LIC जो बोनस रेट अनाउंस करती है हर साल, उस बोनस रेट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है, जो कि काफ़ी मतलब 99% चांस बोल सकते हैं कि वो आपका एश्योर्ड अमाउंट रहेगा जो आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। उसके अलावा आपको गारंटेड एडिशन बोनस मिलता है। गारंटेड एडिशन बोनस क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि LIC हर साल अपना बोनस डिक्लेयर करती है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मनी बैक पॉलिसीज है उनका जो बोनस रेट होता है वो 50 रुपीज़ से लेके 55 रुपीज़ तक पर 1000 होता है, यानी 1000 का अगर आप समस्या और लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ से लेके 55 रुपीज़ तक बोनस मिलता है, इसे बिलो नहीं जाता है। ठीक, और ये मैं लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस किया है LIC के मनी बैक प्लान्स का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। और इसका मैं कैलकुलेशन भी बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे अपना मैच्योरिटी अमाउंट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के भरोसे पर रहे, क्योंकि हो सकता है कि एजेंट अपनी पॉलिसी सेल करने के लिए आपको जो सो बता रहा हो, या फिर हो सकता है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई हो और वो गलत आपको मैच्योरिटी अमाउंट बता दे और वो अमाउंट आपको ना मिले। तो उससे बचने के लिए क्या है, मैं जो कैलकुलेशन आपको बताऊंगा उसमें आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हाँ आपका इतना मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है और इतना आपको मिलेगा। दूसरा क्या है, क्रिटिकल इलनेस कवर। आप कोई भी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अगर सेपरेट परचेस करते हैं तो आपको लगभग 2000 से लेकर 5000 रुपये तक पे करना पड़ता है। बट LIC के जीवन शिरोमणि प्लान में क्या है कि 15 टाइप के जो क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपका डायलिसिस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होती है इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पे करना होता है एंड डे वन से आपका कवरेज स्टार्ट हो जाता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो LIC जीवन शिरोमणि प्लान को परचेस करने के लिए जो मिनिमम समस्या आप ले सकते हैं वो 1 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि बिलो 1 करोड़ इसमें कोई पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। अबव 1 करोड़ आप जा सकते हैं बट मिनिमम आपको 1 करोड़ लेना होगा। पॉलिसी टर्म जो है 14 साल के लिए ले सकते हैं आप, 16 साल के लिए ले सकते हैं, 18 साल का प्लान अवेलेबल है एंड 20 साल का प्लान पॉलिसी अवेलेबल है। बट इसमें एक जो ट्रिक है वो ये है कि जो भी आप पॉलिसी टर्म परचेस करते हैं उससे आपको 4 साल पहले आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। सपोज़ मान के चलिए मैंने 14 साल की पॉलिसी परचेस की है तो मेरा जो मुझे जो प्रीमियम पे करना है वो 10 साल तक ही पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर्स मुझे कोई प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है और मुझे इस अगले 4 सालों में जो है बेनिफिट्स मिलेगा वो मनी बैक के रूप में होगा और वो मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में होगा। सेम कंडीशन अप्लाई है 16 साल के लिए। अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम 12 साल तक ही पे करना है, 4 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना है।
18 साल की पॉलिसी में आपको 14 साल पे करना है एंड 20 साल की पॉलिसी में आपको 16 साल पे करना है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एंट्री एज ऑफ पॉलिसी होल्डर यानी कि जो व्यक्ति पॉलिसी को परचेस करना चाहता है मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, यानी 18 साल का कोई भी इंडिविजुअल है तो वो पॉलिसी परचेस कर सकता है। और मैक्सिमम एज जो है वो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 69 ईयर्स की एज तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। 69 ईयर्स की एज तक पॉलिसी मैच्योर होने का ये मतलब है कि अगर सपोज़ कोई बंदा 55 साल का एज है यानी 55 साल की उम्र हो रही है तो वो पर्सन मैक्सिमम 14 साल के लिए पॉलिसी को परचेस कर सकता है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम एज निकाल सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए कोई पर्सन है वो 20 साल के लिए पॉलिसी लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उसकी एज एटलीस्ट 45 होनी चाहिए, ठीक है। 45-49 भी होगी तो वो पॉलिसी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि 69 की एज तक पॉलिसी मैच्योर हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि 69 ईयर इज़ द लास्ट कट ऑफ डेट फॉर द पॉलिसी मैच्योरिटी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं 69 फॉर 14 ईयर्स टर्म, यानी 14 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 69 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए तो पॉलिसी आपका मैच्योर होगा उस टाइम में। प्रीमियम पेमेंट मोड्स क्या है, तो प्रीमियम पेमेंट्स मोड जो है वो आप ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली एंड मंथली का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इधर आप क्वार्टरली के लिए जाएं, हाफ ईयरली के लिए जाएं या फिर ईयरली के लिए जाएं, क्योंकि मंथली मोड में अगर आप जाएंगे तो आपको ईसीएस मोड ईसीएस तो कराना ही पड़ेगा और हो सकता है कि मंथली मोड में कभी कभी आपका बाउंस भी हो जाए। बट ये हाफ ईयरली और ईयरली में क्या है कि आप एक बार पेमेंट कर देंगे 6 महीने 12 महीने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर आपको अगले 6 महीने के लिए देखना होगा, तो अगले 6 महीने के बाद दोबारा आपको रिमाइंडर मेल मैसेज कॉल्स वगैरह आता है LIC की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड क्या है, तो आपको पता है कि LIC के हर एक पॉलिसी में एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि उस स्पेसिफिक पीरियड में आप ना तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और ना ही पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए अगर उस लॉक इन पीरियड के अंदर आपने पॉलिसी को बंद कर दिया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने जो पैसा जमा किया है वो पैसा भी आपका फंस जाएगा, यानी उसे आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड का कंडीशन क्या है कि LIC में मिनिमम इस पॉलिसी में जीवन शिरोमणि के प्लान में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल के बीच में आप ना ही इसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही इसे सरेंडर कर सकते हैं, ना ही इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 3 साल पॉलिसी का कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कैश लोन और होम लोन के लिए। कैश लोन इन द सेंस आप पॉलिसी के अगेंस्ट में पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, आप पॉलिसी के अगेंस्ट में पॉलिसी के बिहाफ में होम लोन भी ले सकते हैं। ये LIC सर्विस प्रोवाइड करती है एंड जो रेट रहेगा वो एज़ कम्पेयर टू बैंक्स रेट कम रहता है, यानी कि जो बैंक में आपको सपोज मान लीजिए अगर 8% मिल रहा है तो आपको LIC 8% से कम में ही प्रोवाइड करेगी होम लोन, तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद बेनिफिट आपको इनकम टैक्स का मिलता है। सपोज़ आपका इनकम टैक्स डिडक्शन होने वाला है, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि जो ITR फाइल करने का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया जून तक, तो सपोज़ मान के चलिए अभी भी अगर आप पॉलिसी ईयरली मोड में परचेस करते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C मिलेगा, प्लस जो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10। उसमें क्या है कि आपको जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वेदर वो 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, उसमें कोई आपको टैक्स लाइबिलिटीज़ नहीं है, यानी कि कोई भी टैक्स पेमेंट आपको नहीं करना है। मैच्योरिटी का बेनिफिट क्या है, और ये देखिए मैच्योरिटी जो है किसी भी प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीज़न भी इसके बिहाइंड क्या है कि सपोज़ मान लीजिए आपको मैच्योरिटी का पता ही नहीं है तो आप वो पॉलिसी परचेज ही क्यों करेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे कुछ रिटर्न चाहिए, और रिटर्न भी अगर मुझे सपोज़ मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और 10 साल के मुझे बाद मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता तो फिर वो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैच्योरिटी बेनिफिट आपको अच्छा खासा मिलता है। अगर आप कैश मनी बैक को इंक्लूड कर दें तब तो ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है, इंक्लूडिंग मनी बैक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलता है। आज के टाइम में आप कहीं भी FD वगैरह कराएंगे तो 6% 6.5% 7% से ज़्यादा आपको FD का रिटर्न नहीं मिलता है। इनफैक्ट कोई भी आप ट्रेडिशनल प्लान खरीदें, बैंक में कोई FD कराएं, RD कराएं, कहीं पे भी आपको 7% से ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं, हो सकता है उससे कम ही मिलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट LIC के इस प्लान में बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि आपका इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होता है, इसमें क्या आपको बोनस जो मिल रहा है बोनस के बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा, एंड बोनस एक तरह से आप स्पेसिफिक कंफर्म मान सकते हैं और जो रिटर्न आप है वो अपने से कैलकुलेट करके आप एश्योर्ड कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैच्योरिटी का बेनिफिट क्या मिलता है और इसका एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊँगा, और वो एग्जाम्पल मैंने अपने ब्लॉग में भी मेंशन किया, आप जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ एक पर्सन है, उन्होंने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया हुआ है,
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ मनी बैक प्लान सो दैट यू विल गेट मनी बैक ऑल्सो इन 10th ईयर एंड 12th ईयर ऑफ पॉलिसी इन 14 ईयर्स पॉलिसी टर्म। सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए मैं ही पॉलिसी परचेस करता हूँ, मैंने 14 साल के लिए पॉलिसी परचेस की है, 1 करोड़ का मैंने सम अश्योर्ड लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि मैं एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहा हूँ, हर साल मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे करते करते 10 साल के एंड में यानी कि 10th ईयर में मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देन होगा क्या, 10th ईयर में मुझे 30% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी कि जो मेरा 1 करोड़ का सम अश्योर्ड है, 1 करोड़ का 30% मुझे मनी बैक के रूप में मिल जाएगा, यानी 30 लाख रुपये मुझे मनी बैक के रूप में 10वें साल में मिल जाएगा, फिर 30 लाख रुपए मुझे 12वें साल में मिलेगा, एंड 14 साल के एंड में यानी जिस साल मेरी मैच्योरिटी होनी है पॉलिसी की, उस साल मुझे 40% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 40 लाख रुपए प्लस गारंटेड एन एडिशन बोनस प्लस इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। और ये तीनों मिला के कितना अमाउंट होता है ये आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, नीचे में मैंने पूरा मैच्योरिटी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा जाके, ठीक है। इसके अलावा जो मैच्योरिटी कैलकुलेशन फार्मूला जो मैंने पहले ही बताया उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा सेम कंडीशन अप्लाई होती है 16 ईयर की पॉलिसी के लिए, 18 ईयर की पॉलिसी के लिए एंड 20 ईयर की पॉलिसी के लिए। ओनली डिफरेंस इज कि आप अगर 16 ईयर की पॉलिसी परचेस करते हैं तो उसमें आपको जो मनी बैक मिलता है वो 35% ऑफ द सम अश्योर्ड होगा, 18 ईयर की पॉलिसी अगर परचेस करते हैं तो 40% ऑफ द सम अश्योर्ड होगा, और अगर आप 20 ईयर की पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपका जो रिटर्न मनी बैक होगा वो 45% ऑफ द सम अश्योर्ड होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, और ये चीज़ आपको पॉलिसी के पेपर्स में भी दिख जाएगी, और आप समझ सकते हैं कि LIC खुद आपको कंफर्म कर रही है कि इतना अमाउंट आपको मिल रहा है, यानी कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। अब क्या है, देखिए नीचे मैंने एक पूरा डाटा बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, टेबल में मैंने पूरा ईजिली समझा दिया है कि पॉलिसी टर्म आपका 10th ईयर का, 12th ईयर का, 14th ईयर का अगर रहता है तो आपको रिटर्न किस हिसाब से मिलता है, ये सारा चीज़ है। इसमें 2 टेबल छूट गए हैं गलती से, एक 16 साल का, एक 18 साल के लिए, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे अगर जाएंगे तो मैच्योरिटी का मैंने कैलकुलेशन भी दिखाया है कि अगर आप कोई बंदा 14 साल की पॉलिसी परचेस करता है तो मनी बैक कितना मिलेगा प्लस मैच्योरिटी के टाइम में कितना मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 1.82 करोड़ रुपीज़ टोटल मैच्योरिटी हो रहा है, और अगर आप 30 लाख रुपये ऐड कर देंगे 60 लाख रुपये, तो ये आपका लगभग 2 करोड़ 14 लाख रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने 16 साल का लिए भी देके रखा हुआ है, 18 साल के लिए भी देके रखा है, 20 साल के लिए भी देके रखा हुआ है, तो इस तरह से कैलकुलेशन मैंने दे दिया है, और ये यहाँ पे मैंने ब्लॉग को एंड किया हुआ है, और नेक्स्ट जो ब्लॉग मैं लिखूंगा उसमें मैं पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा कि कैसे आपको मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और प्लान की डिटेल्स अगर आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर मेरा चैनल अवेलेबल है जिस चैनल पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।